सीटों के लिए पहले फेज में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। पहले फेज के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी होनी है। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी की हैं। पहली लिस्ट में 15 और दूसरी लिस्ट में एक नाम है। हालांकि बीजेपी ने सुबह 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन उसके दो घंटे बाद उसे वापस ले लिया गया और एक और नई लिस्ट जारी की। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने 25 अगस्त को 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और आम आदमी पार्टी ने भी कल ही 7 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर पूरी सहमति नहीं बनी। कुछ सीटें हैं जिस पर पेच फंसा है। उधर महबूबा मुफ्ती अभी तक अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि उनकी पार्टी पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को पूरा समर्थन देगी अगर गठबंधन को पीजीपी का एजेंडा मजबूर जो पीडीपी का जो एजेंडा है अगर वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मंजूर होता है तो फिर वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ जा सकती है। अपनी पार्टी का और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें पार्टी ने इस योग्य समझा। इसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारे जो साथी हैं इसमें स्वामी राज जी हैं, रमन एडवोकेट जी हैं और मंडल प्रधान जितने जिला प्रधान हैं, पूरी टोली जो हमारी जिला की है सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जिसमें हमारे अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन सबका योगदान है। मैं सारी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं वोटरों को ये संबोधित करना चाहूँगा कि ये क्रूशल समय है। आज तक जो आपके साथ हुआ है उसमें हम भी शामिल हैं, काफ़ी भेदभाव होता रहा है, लेकिन मेरी ओर से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूँगा कि यहाँ पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो गरीब मजलूम होगा उसका हक उसको मिलेगा, जो जिस लायक होगा उसका हक दिलाने का प्रयत्न करूँगा। नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज्यादा वोट शोपियान से ही आए। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करेंगे। फार फ्लंग एरिया है यहाँ का, आपका शोपियान आता है, क्या रिएक्शन रहेगी उसके हवाले? गुजर बस्ती है, पोर फैमिली है, गरीब है, क्या? देखिए आपने खुद भी देखा है, एसटी बरादरी तो मेरी सबसे करीब रही है हमेशा और बाकी बरादरी भी जो कश्मीरी बरादरी है, चाहे कुमार है चाहे नाई है, सारे हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 10 साल में काम किया है और वो काम को देखते आज लोग नरेंद्र मोदी के साथ। तो चुनावी हलचल तेज हो गई है क्योंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की। लिस्ट के साथ ही बवाल भी देखने को मिला, लेकिन बवाल के साथ साथ सवाल भी हैं जो बीजेपी खड़े कर रही है। बीजेपी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठाती है। सवाल ये है, आज की डिबेट के सवाल क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाती रही है। पिछले दिनों भी देश विरोधी गठबंधन कहा था, तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन है ये मजबूती से बना रहेगा, साथ लड़ेंगे ये चुनाव? बीजेपी का टिकटों पर आगा पीछा क्यों? सवाल ये इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि आज हमने देखा लिस्ट जारी की जाती है, फिर दो घंटे बाद लिस्ट बदल दी जाती है, फिर उसमें संशोधन कर दिया जाता है और 29 नाम हटा दिए जाते हैं, फिर एक नई लिस्ट जारी की जाती है जिस पर बवाल हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद किसकी राह को आसान करेंगे और किसकी राह को मुश्किल करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। और पीडीपी की जो पैंतरेबाजी है कि अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है पीडीपी, यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी, कि किसके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये पैंतरेबाजी क्या रंग दिखाएगी, ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ पैनल के कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज मिश्रा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर गगन भगत जी हैं, वो डिप्टी चीफ स्पोक्सपर्सन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और रविंद्र पंडिता जी हैं, एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। आप तीनों का स्वागत है, कुछ और खास मेहमान भी आगे जुड़ेंगे। नीरज जी, अभी कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ था तो जो 10 साल से एक बर्फ जमी हुई थी वो हटी थी, एक उम्मीद थी कि अब हाँ अब चुनाव होंगे तो चीज़ें और अच्छी होंगी। अब उसमें लगातार तड़का लगता जा रहा है। बीजेपी ने यार लिस्ट जारी की, लेकिन लिस्ट जारी करने के साथ साथ ही बीजेपी में जबरदस्त विरोध भी देखने को मिल रहा है। और आज तो स्थिति ये आ गई थी वहां पर कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को कमरे में बंद करके कार्यकर्ताओं के गुस्से से खुद को बचाना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? रोहित जी, बात बिल्कुल ठीक है।
देखिए कश्मीर जाना जाता है तीन चीजों के लिए, वो है इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। जब पिछले 10 साल से उस जमहूरियत के ऊपर एक कुठाराघात किया गया था, उस ऑर्डिनेंस को लाकर जिसने कश्मीर को, जो एक हमारा अभिन्न अंग नहीं, जो एक सिमिलर स्टेट की भी कैटेगरी में था, उसको खत्म करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी। और पिछले 10 साल में रोहित जी आपने लगातार रिपोर्ट किया कि किस तरीके से जिन बातों को कहकर आपने उसका स्टेटहुड छीना था, वो सारी एक्टिविटी आज भी होती है। 51 से ज्यादा जवान तो पिछले 30 महीने में शहीद हो गए हैं, 20 से ज्यादा सिविलियन, ये याद रखिएगा कि कश्मीर के अंदर नहीं, ये जम्मू के अंदर, ये डोडा के अंदर और बाकी उस पूरे रियासी वाले इलाके के अंदर, उन सारे जगहों पर ये वारदातें होती रही। तो कांग्रेस पार्टी और एनसी लगातार जब ये कह रही थी कि आपको कश्मीरियत को बचाने के लिए जमहूरियत को बहाल करना होगा, तो उसका जो संज्ञान है वो कोर्ट ने लिया और कोर्ट ने कहा कि जब हालात आपको लगता है कि अब ठीक हो गए हैं तो आपको उनके डेमोक्रेटिक राइट से रोकना नहीं चाहिए। और इसी वजह से वो चुनाव हो रहे हैं, और उस चुनाव में ये तो एक पत्थर की लकीर तय हो गई है कि पिछले 10 साल से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लूटा, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे आपके अपने राइट्स हो, उन सिविल और ह्यूमन राइट्स से आपको जो बाहर कर दिया गया, उसके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। और वो माहौल का सीधा सीधा जो भुगतान है वो बीजेपी को करना होगा। आज तो सिर्फ कार्यकर्ताओं ने बगावत की है, एक बार टिकट अनाउंस होकर इनको फॉर्म बी दे दीजिए और कहिए क्षेत्र में प्रचार करने के लिए। वहां जब जनता विरोध करेगी तो आज तो शायद अध्यक्ष जी कमरे में बंद हो गए होंगे, पर वहां क्षेत्र में क्या करेंगे, वो कैसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि केंद्र के बिठाए हुए एलजी के माध्यम से हमने कैसे आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म किया, हमने कैसे जम्मू कश्मीर को लूट लिया। ये सारे जवाब अब उनको ग्राउंड पर देने होंगे, और ज्यादा समय तो बचा नहीं, 30-32 दिन के बाद आप देखिएगा चुनाव हो जाएगा और वहां पर कांग्रेस की और एनसी की एक नई सरकार बनेगी, जो इस बात पर अटिक रहेगी कि जिस तरीके से 7.5% से ऊपर जीएसडीपी हुआ करता था, जो आज 6% पर आ गया है, उसे बहाल किया जाएगा। कश्मीर के अंदर उस फुल स्टेटहुड के लिए हमें जो लड़ाई लड़नी होगी, हम वो लड़ेंगे, और कश्मीर की जनता को, जम्मू की जनता को, उनके जो हक पिछले 10 साल से दबाए गए वो उनको वापस दिलाएंगे। ठीक है, मेरे साथ शिवम त्यागी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी इस वक्त साथ में हैं, और वीरेंद्र सिंह जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं वो भी साथ में पैनल में जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, अभी आप नीरज मिश्रा जी को सुन रहे थे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि इस लिस्ट के बाद अभी तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का विरोध आपने झेला है, अभी तो जनता का विरोध झेलना बाकी है। आप जाइए फील्ड में, जम्मू कश्मीर में जनता ऐसे विरोध करेगी जैसे कार्यकर्ता आज विरोध कर रहे थे इस लिस्ट आने के बाद पार्टी के खिलाफ। रोहित जी, जिनके पास कार्यकर्ता हैं उनका आपस में मतभेद है, जिनके पास है ये नहीं तो वो क्या करेंगे बेचारे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। जिनके पास कार्यकर्ता हैं, जिनके पास परिवार है, जिनके पास कैडर है, जिनके पास नेता है, जिनको उम्मीद है हम जीतेंगे, और जिन्होंने लोगों ने काम किया, वो अपनी बातें पार्टी फोरम पर रख रहे हैं, लेकिन जिनके पास है ही नहीं वो बेचारे क्या करें, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। रही बात, बार बार उन्होंने कहा कि हम फुल स्टेटहुड की बात करेंगे, 10 साल में जो हालात हुए, आप पता है कि आप किस चीज की बात करेंगे, आपने करी क्या है पिछले 72 सालों में बात जो है जम्मू कश्मीर में, ये देश जानता है किस तरीके से हालात थे, किस तरीके से जो है 72,000 सैनिकों की जो है शहीदी हो गई वहां पर, आपने जो क्या किया ये देश जानता है, आपने किस तरीके से वहां पर जो है पाकिस्तान के झंडे फहरवाए, किस तरीके से लाल चौक पर कोई खड़ा होकर रात को चाय नहीं पी सकता था, आप शहजादे वहां पर खड़े होकर चाय पी सकते हैं क्योंकि वो माहौल हमने दिया है, आप नहीं दे पाए पिछले 58 साल जब आप परिवार का राज रहा तब नहीं आप दे पाए, किस तरीके से पंडितों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से 1987 में जो है जो आपने चुनाव में धोखाधड़ी करी, और उसके बाद सलाउद्दीन जो है जो इनके सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाकर लड़ा था वो जाकर मुजाहिदीन का सरगना बन गया, किस तरीके से जेकेएलएफ के यासीन मलिक को इन्होंने प्रधानमंत्री आवास में बैठ कर चाय पिलाई, हमने खत्म किया उस सेपरेटिज्म को, खत्म किया, उनको जेल में डाला, 370 हटाया, हिंदुस्तान का झंडा प्रतिस्थापित किया, वहां का झंडा खत्म किया, वहां की चीजें खत्म की, वहां पर गरीबों को, वहां को दलितों को, वहां के पिछड़ों को, वहां के गुजरों को, वहां के बकर वालों को आरक्षण का अधिकार दिया। जिस लाल किताब को लेकर घूमते रहते हो उसको सिर्फ घूमना और आरक्षण पर बात करना नहीं होता है, अप्लाई भी करना होता है।
58 साल एक परिवार पे राज करता रहा, इतनी नहीं सूझी कि वहां का जो पोस्ट ग्रेजुएट दलित है उस बेचारे को भी सिर्फ झाड़ू ही लगानी पड़ती थी, वो नौकरी नहीं कर पाता था, आरक्षण नहीं मिलता था, आंखें नहीं खुली कभी। जम्मू कश्मीर की लड़ाई जो है इस देश में उसको एकत्रित करके लड़ने की लड़ाई थी, वहां पर ये जो दो निशान और दो प्रधान वाली कहानी चल रही थी उसको खत्म करने की लड़ाई थी, वहां पर जो दलितों को अधिकार नहीं था उसकी लड़ाई थी, और वो लड़ाई है। और जहां तक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, मैं मानता हूं 10 साल बाद चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है मोटिवेटेड है, उनको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां कर जीत कर आएगी और चुनाव लड़ेगी, तो इसलिए आपस में मतभेद भी है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ कैंडिडेट्स जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है। दावेदारी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर 5, 6, 10, 15 या 20 दावेदार हैं तो वो जानते हैं कि वो जीत कराने वाले हैं, और इसी बात की लड़ाई है। अब जिन लोगों के पास बेचारों के दावेदार ही नहीं है वो क्या करें, वो क्या ही तो लड़ ले और क्या ही हंगामा कर ले, किसी को भी टिकट से तो हारना ही है। ठीक है, ठीक है नीरज जी, इस पे कुछ जवाब देना चाहें तो एक 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, फिर बाकी एक एक रिएक्शन सबसे ले लूंगा उसके बाद में। नीरज जी, मैं तो बहुत छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में भाजपा के पास पूरे देश में कार्यकर्ता नहीं थे, किसी अंडानी या अंबानी A1 A2 के किसी लाइजन ऑफिसर को हो सकता है चुनाव लड़ा दिया करते थे, क्योंकि 10 साल में हमने तो नहीं देखा था कि भाजपा के दफ्तर के अंदर वो जो ये कहते हैं हम तो बड़े डिसिप्लिन सिपाही हैं, आरएसएस तो इस बात की शेखी बगाड़ती है कि हम तो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। अब इससे ये तो समझ आ रहा है कि इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी 1/3 की जो सरकार है, उसके प्रति इनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह नहीं है। आज वो कह रहे हैं हम तो जो लेंगे छीन कर ले लेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है ये अपने कार्यकर्ता के साथ तो न्याय करती नहीं है। मैं 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड सर। ठीक है बोलिए शिवम। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ तो 1/3 की सरकार इन्होंने बता दी, आप तो 1/35 होकर भी कुछ बराबर नहीं हो पाए, एक एक के बराबर तो हो जाओ, 35 मिलके भाजपा के बराबर नहीं हो, आप तो 1/35 है। शुक्र है ये अपने गठबंधन की किस तरीके से बुराई करते हैं ये समझ नहीं आता इनके गठबंधन के साथ ही, ये पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे। शिवम भाई, शिवम भाई, हमारी तो 35 पार्टियां चली है, आपकी 37 पार्टियों, आप उनका क्यों अपमान कर रहे हैं? हम तो आपके गठबंधन के साथियों की बात कर रहे हैं। शिवम भाई, गर्द क्यों हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अपने समय में बोलिएगा ना, मैं आपके समय में नहीं बोला। 1/35 वाले टोटल मिलाकर भी एक पार्टी के बराबर नहीं बैठते, जनता ने कहा कि विपक्ष में रहिए वहीं पर। दूसरी बात कश्मीर की है तो सुनिए, कश्मीर में जो हाल और आतंक आपने फैलाया ना, देश जानता है। 35 साल हो गए, नीरज जी तो रहते होंगे कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, घर से बाहर निकले, पिक्चर देखा, देखा है फिल्म, देखा है। 35 साल में थिएटर नहीं है जम्मू कश्मीर में, क्या बनाना चाहते थे आप उस राज्य को? थिएटर नहीं है, हमने वहां पर 4 थिएटर्स दिए, एक मल्टीप्लेक्स दिया, ताकि वहां के युवाओं को जो है चीजें मिले। आप क्या कहते हैं, पूरे 75 साल में 14,000 करोड़ रुपए की टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, आज 81,250 करोड़ रुपए का टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं। ये है व्यवहार है हमारा, ये वहां पर हमारा विकास की धारा है, और ये 10 साल में हमने किया है, और बहुत सारे काम है जो आगे आने गिलाने वाला हूं। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कि हाँ, हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो अपना देखें। नीरज जी, आप फिर उंगली उठा रहे हैं, बोलिए। रोहित भाई, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, जैसे उत्तर प्रदेश में जहां से शिवम आते हैं, $2 बिलियन के MOUs हुए थे ना, उसमें से 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, पता चला वो कंपनियां ही फर्जी थी। तो वो सेम कहानी तो कश्मीर के साथ है, 81,250 करोड़ रुपए में से आज तक 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके देश को बरगलाते हैं, और कश्मीर तो इनका एक्सपेरिमेंट था। ये तो जो डर की राजनीति करते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा होगा, वो डर की राजनीति का एक्सपेरिमेंट जब फेल हो रहा है तो कश्मीर को फिर धकेलना चाह रहे हैं पीछे की तरफ। लेकिन कांग्रेस एनसी साथ मिलकर आज कश्मीर को उस अन्याय काल से निकाल रही है जो पिछले 10 साल में इन्होंने डाल दिया। 10 सेकंड, ज्यादा नहीं चाहिए, बोलिए शिवम। जैसे जैसे राहुल गांधी के पिताजी ने और फारूक अब्दुल्ला ने और 87, 88, 89 में कश्मीर को बाहर निकाला था, ऐसे ही निकालेंगे क्या? जब पंडितों को मारा जा रहा तो फारूक अब्दुल्ला लंदन में गोल्फ खेलते थे और राहुल गांधी उनका। शिवम भाई, पास का चश्मा लगा लीजिए, 2016-17 की बात कर ले, कहां आप 1990 के दौर में चले गए, जब जब पीडीपी के साथ दो झंडों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी तक कॉन्फ्रेंस करते थे। नीरज जी, उनको हाँ नहीं है क्या? आप सिंगल सिंगल कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, आप तो टीवी पर हंगामा कर रहे हैं, रुकिए जरा। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, वही 1989
जब कश्मीरियों को मारा जा रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री लंदन जाकर एक साल के लिए गोल्फ खेलने चले गए थे। ऐसे देंगे क्या कश्मीर को बेहतरी? और रही बात, इन्होंने कहा कि वहां पर तो प्लांट लगे ही नहीं, इंडस्ट्रीज लगी नहीं। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ते नहीं है। चलिए पुलवामा में अभी 3 दिन पहले स्टील प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है, आइए घुमा के लाता हूं आपको, छोड़ दीजिए उसको, इसके अलावा भी बता रहा हूं 2019 में वहां पर जो टूरिस्ट गए थे वो 5,65,000 गए थे सिर्फ कश्मीर में। 2024 में 27,10,000 टूरिस्ट गए हैं। कह दो ये भी नकली है, कह दो ये सारे चीजें नकली है। विषय साफ है, जिस आदमी को आदत पड़ गई हो पाकिस्तान के झंडे कश्मीर में देखने की, उसको हिंदुस्तानी झंडा देखकर कैसे अच्छा लगेगा? जिस कांग्रेस को ये आदत पड़ गई थी कि वहां पर टूरिस्ट जाए ही ना, वहां पर 27 लाख जाने वाले टूरिस्ट उसको कैसे दिखाई देंगे? कश्मीर में उनके लिए कॉर्पोरेशन और बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगा। सिर्फ एक लाइन। ठीक है, आप क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, चलिए एक लाइन अपनी बोल दीजिए, एक ही लाइन रखिएगा, फिर वापस दोनों के पास मैं आगे आऊंगा आपके पास। देखिए शिवम भाई ने बात तो ठीक कही कि जिस व्यक्ति को कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे देखने का ना मिले उसको दिक्कत होती है, तभी शायद प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए चले गए थे पाकिस्तान का झंडा देखने के लिए। शिवम भाई आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप दोनों के पास वापस आऊंगा, आप दोनों को फिर से मैं, हाँ आप दोनों को मैं फिर से 5-7 मिनट दूंगा डिबेट करने के लिए। शिवम भाई आपको रोक रहा हूँ, सब बाकी है मेहमान, एक एक रिएक्शन उनसे भी। डॉक्टर गगन भगत के पास मैं चल रहा हूँ, डेप्टी चीफ हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर सीटों पर बात बन गई है कांग्रेस के साथ, क्योंकि आपके और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल भी उठे। पिछले दिनों हमने देखा था कि अमित शाह जी ने 10 सवाल भी राहुल गांधी से इस गठबंधन को लेकर पूछे थे। बीजेपी की तरफ से लगातार आपके गठबंधन को लेकर सवाल उठते हैं। आपके गठबंधन में सब ठीक है या सीटों पर कोई पेंच फंसा है? रोहित जी नमस्कार, आपके सारे दर्शकों का अभिनंदन, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ भाजपा को कि पहले तो खाली एग्जाम के पेपर लीक होते थे, आज भाजपा के दफ्तर से उनकी लिस्ट लीक हो गई, और ये पेपर लीक, लिस्ट लीक, इसके लिए भाजपा को बहुत बहुत बधाई। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये भाजपा के जो प्रवक्ता है, चपट चपट बोलना आता है इनको, ग्राउंड में कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं दलितों की बात कर रहे हैं, तो मैं खुद दलित वर्ग से आता हूँ, तो यहाँ पर आरक्षण भी था, और यहाँ पर केवल कोई 25-30 हजार कोई दलित थे जिनके कागज पूरे नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, उनको रिजर्वेशन देकर ये अपनी छाती पीट रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहते हैं 1990 में ये हुआ, भाई गवर्नर कौन था? उस गवर्नर को बाद में अपने कैबिनेट मंत्री लिया था, पीछे की बात नहीं छोड़िए, मैं अभी की बात करता हूँ। राम माधव कौन है? 300 करोड़ रुपए किसको दे रहे? पुलवामा में क्या हुआ? सत्यपाल मलिक आपके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गवर्नर हैं, और जब उन्होंने फोन किया मोदी जी को पुलवामा हो गया है, तो मोदी जी उस टाइम शूटिंग में बिजी थे, उन्होंने क्या कहा? सत्यपाल मलिक जी अभी आप चुप रहे, कुछ ना बोले, क्योंकि पुलवामा में बड़ा खुश था वो। डीएसपी देवेंद्र कहां गया? ये जो आप पुलवामा और उनकी बातें कर रहे हैं ना सर, ये सब बातें, ये कोई, ये सिर्फ बातें हैं, चुनाव में आएंगी सारी बातें चुनाव में आएंगी। आज यहाँ पर ग्राउंड में भाजपा की वो हालत है, ये प्रचार नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे, इस महीने देखेंगे कहाँ भाजपा के नेता आते हैं। पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसपुरा में इन्होंने चुनावी रैली की, 500-500 रुपए देकर इन्होंने वहां पर लोग बुलाए, और जिनको पैसे नहीं मिले थे उनकी लड़ाई हो गई। ये कितने ही वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं यहाँ पर। ग्राउंड में भाजपा की क्या हालत है ये तो यहाँ पर लोगों को पता ही है। यहाँ पर आज एक सामान्य जो व्यक्ति है वो इतना परेशान, इतना त्रस्त है, 10 साल से चुनाव नहीं हुए यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या क्या, हमने जम्मू के लोगों को ये दे दिया, हमने वो दे दिया, यहाँ जमहूरियत थी नहीं यहाँ पर, आप में हिम्मत नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो शायद यहाँ पर चुनाव भी नहीं होते। इतना डरते थे आप कि आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में आपने यहाँ कैंडिडेट भी उतारा, भी 3 सीटों में टोटल कैंडिडेट नहीं उतारे अपने यहाँ पर। और जो पिछले बार 2019 में 6-6 लाख की लीड से जीते थे, मात्र 1,20,000 1,30,000 की लीड, मुझे मौका दीजिए। अच्छा ठीक है, जब सारी मशीनरी अपनी लेकर यहाँ पर, तो कौन से चुनाव की बात करते हैं? हम तो ग्राउंड, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत है, मैं हमारी और कांग्रेस की अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छा गठबंधन है, और हम सीटों पर सहमति बन गई, अच्छा कार्यकर्ता जो अच्छा नेता होगा बिल्कुल बन गई है, सारी सहमति बन गई। कितने पे लड़ रहे हैं बताएंगे यहाँ
ठीक है, मीटिंग में बताई नहीं जाती, ये ठीक है, बातें होती हैं। अच्छा हो गया, गठबंधन हो गया, अच्छी मतलब अच्छी बात है कि वो सहमति बन गई। मैं शिवम त्यागी के पास चल रहा हूँ। शिवम, आपको जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन से लड़ना है और यहाँ पर भी उन दोनों से लोहा अकेले लेना है आपको, बोलिए। रोहित जी, मैंने बड़े सम्मान से, उन्होंने भाषा भी बहुत ही गंदी इस्तेमाल की, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए सुना क्योंकि उनमें उतनी टॉलरेंस हो कि अब वो मुझे सुन लें। चपड़ चपड़ वही बोल सकता है जो पढ़ लिखता हो, और कम से कम जिस राज्य में रहते हो उस राज्य का इतिहास तो पढ़ लिया करो, या अनपढ़ों की तरह बात करने से कोई लाभ नहीं है। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या कहा था, डॉक्टर गगन भगत, आप अपनी लैंग्वेज को सुधारिए। डॉक्टर भगत नहीं, अरे आपने शुरू किया था, मैंने तब आपको कुछ कहा ही नहीं। डॉक्टर गगन भगत, इस तरह से बात करेंगे मैं डिबेट से हटा दूंगा आपको। और रोहित जी मेरी बात सुनिए, आप वापस मेरे पास आ रहे हैं, शिवम त्यागी को नहीं बोल सकते, चपट चपट कर रहा है, बकवास कर रहा है। आपने पहले इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे डॉक्टर गगन भगत, आपने पहले इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। प्लीज शिवम, दो मिनट, ठीक है, नहीं इस तरह के शब्द नहीं। डॉक्टर गगन भगत, आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं वो बाहर, मेरी डिबेट में नहीं, बेवकूफी नहीं करनी, डिबेट में नहीं, डिबेट में मर्यादा रखेंगे। आप नेशनल चैनल पर बैठे, शिवम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आगे हाँ, प्लीज जवाब देना। डॉक्टर गगन भगत, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, उसकी तो मर्यादा रखिए कम से कम। अच्छे से बिहेव कीजिए, त्यागी को बीमारी है ना, मुझे आता है उसका इलाज, अच्छे से बिहेव कीजिए। बीमारी है भाजपाई को, बीमारी है मुझे इलाज आता करना, इनकी सारी बीमारी को इलाज करना आता है। सर आपको सबसे पहले डिबेट का सलीका सीखना होगा, डिबेट का सलीका सीखिए सर, थोड़ा सा। जब आप बोल रहे थे वो कुछ नहीं बोले। शिवम आप बोलिए, शिवम आप बोलिए, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। डॉक्टर गगन प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए ना, आप क्यों डिबेट की मर्यादा को भंग कर रहे हैं? आप बोल रहे थे एक शब्द कोई नहीं बोला आपके टाइम पे, आराम से बात करें, लहजे का सही इस्तेमाल करें। आपका लहजा ठीक था पहले, चपर चपर किसने बोला आपने? जब बोलेंगे तो सुनने के लिए भी तैयार रहिए, मैं उनको रोक रहा हूँ ना, आप मत आइए बीच में, ठीक है? अब इसको यही एंड करते हैं, शिवम बात रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ रोहित पुनेटा जी, सम्मान आपसे निवेदन है, मैं अभी तक एक बार भी किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, मेरे बीच में कोई बोलेगा नहीं, और जो जैसी भाषा इस्तेमाल करेगा ऐसी करूंगा। सुनिए, थोड़ा सा अब जो है इतिहास और अपने राज्य का ज्ञान ले लो ताकि आने वाले समय में काम आए। जगमोहन जी को गवर्नर बनाकर जो है उस समय इंदिरा गांधी लेकर गई थी, क्यों लेकर गई थी? क्योंकि उनको फारूक अब्दुल्ला को हटाकर गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाना था। और क्या कहा आपने, किलिंग किसके समय में हुई थी? जगमोहन जी के समय में नहीं हुई थी। बात करो 300 करोड़ रुपए किसके लिए, 300 करोड़ रुपए कहां से लिए राम माधव ने, कौन से इंश्योरेंस कंपनी का पैसा था वो? सत्यपाल मलिक क्या बोल रहे? डॉक्टर भगत आपके टाइम पे कोई बोला? डॉक्टर भगत आपके टाइम पे कोई बोला? 300 करोड़ रुपए। डॉक्टर भगत आपके टाइम पे कोई बोला? आपके टाइम पे कोई बोला? अगर आप ऐसे ही इंटरवीन करते रहे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। इंटरवीन करते रहे, आपने भी पुलवामा को लेके बात कही, दुनिया भर की बात कही, वो नहीं आए बीच में, जब उनको टाइम मिला तब उन्होंने बोला। आप ऐसे इंटरवीन करेंगे तो नहीं होगा। डॉक्टर भगत मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मत बोलिए ऐसे बीच में। 300 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए, 300 करोड़ का। मैं आपको डिबेट से हटा दूं, अगर आपको नहीं करनी डिबेट तो छोड़ दीजिए। राम माधव जी 300 करोड़, इनको हटा दीजिए, डॉक्टर भगत को डिबेट से हटा दीजिए, नहीं चाहिए हमको ऐसे। नहीं आप चाहे मत भी हटाइए, आप इनकी आवाज दबा दीजिए, बस ये सुन ले मुझे, थैंक यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी लेकर गई थी जगमोहन जी को, गुलाम मोहम्मद शाह वहां पर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वहां पर हत्याएं होनी हुई,
और जब टीकालाल टपलू की पहली हत्या हुई तो उस समय वहां पर केवी कृष्णा राव जो है वहां पर गवर्नर थे। ये बेकार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए और थोड़ा पढ़ के आया कीजिए अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आगे आता हूं, विषय बहुत साफ है, हम हर तरीके से हर स्तर पर चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। रही बात इनकी पहुंच पाने की या ना पहुंच पाने की कश्मीर में, अरे लोग लाल चौक पर खड़े होकर झंडा नहीं फहरा पाते थे, आप बताएंगे हमें कि कौन खड़ा हो सकता है कौन नहीं खड़ा हो सकता है? पैर रखने वाली स्थिति नहीं छोड़ी थी आप लोगों ने, और ये जो बैठ रहे थे ना इन्हीं के मुख्यमंत्री थे वो, जब गोलियां लग गई थी, जब डीजीपी को मारा गया था, जब टीकालाल टपलू को मारा गया था, और लंदन में जाकर गोल्फ खेल रहे थे, हमें बताएंगे कश्मीर में कैसे रहना है? जो कश्मीर आज है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप बोल कुछ बुलवा सकते हैं उसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे बोलना भी नहीं है किसी के बीच में, आता है सब अपने अपने समय में बोले। ठीक है, मैं वीरेंद्र सिंह जी के पास चल रहा हूँ, पीडीपी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? अभी तक पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल रहे हैं पीडीपी, महबूबा मुफ्ती अकेले जा रहे हैं चुनाव में, क्योंकि पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि शायद आप लोग भी कांग्रेस और एनसी के साथ गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, क्या इस पर कोई बात हो रही है? गांधरबल को लेकर क्या बात चल रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि यहां आप उम्मीदवार मत उतारिए, इस पर कुछ फैसला लिया आपकी पार्टी ने? हमारे पत्ते कोई बिल्कुल खुले हैं, हमने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं जी, और पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। मैं खुद एक जम्मू से एक सीट से कैंडिडेट हूँ, जम्मू बहू से, तो पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, हरेक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के लिए तैयार होती है। आज जिस इशू पे आज हम डिबेट कर रहे थे, चलिए वो डीरेल होगी, पहले तो मैं सभी देशवासियों को और सभी दर्शकों को आज जन्माष्टमी के त्योहार पे मुबारकबाद देता हूँ, और आपको भी सर बहुत आपको भी देता हूँ, सभी साथियों को देता हूँ। दूसरी बात इसमें ये है कि जिस इशू पे आज हम बोल रहे थे, इशू ये था जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और भारतीय जनता पार्टी की एक टिकट जो लिस्ट जो निकली उसके बाद जो घमासान बचा बीजेपी ऑफिस, इसी पर आज हम बात कर रहे थे ना। हाँ जी बोलिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बीजेपी की लिस्ट थी वो बीजेपी की लिस्ट तो थी नहीं, उसमें जो उम्मीदवार थे वो सब बाहर से आए थे, 6-7 उम्मीदवार तो मेरे सामने नजर में थे जो दूसरी पोलिटिकल पार्टियों से आए थे, कुछ को 5-7 दिन पहले रिजाइन कराया कि नौकरी से उनको लाया गया था। तो जब कार्यकर्ता जो उनकी जो उनको लगा कि नहीं ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ तो वो बोले आकर आप पार्टी ऑफिस में, उन्होंने जो हंगामा जो हमने मीडिया पर देखा, वैसे तो जो बीजेपी का अंदरूनी मसला है, अंतरकला है, इनकी अंतरकला है, वो होनी थी, इसमें हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन वो होनी इसलिए थी कि जिस तरीके से सबज बाग दिखाए गए पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो ठीक कहा 10 साल से जहां जमहूरियत थी नहीं, अब जब जमहूरियत थी तो जिसका गला कटा होगा या जो परेशान होगा वो तो वहां बोलेगा, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी की टिकट किसको मिली और किसको नहीं मिली, मुद्दा जम्मू कश्मीर का है, आज मुद्दे जम्मू के हैं। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि लाल चौक पर झंडा, भी इससे पहले भी लाल चौक जम्मू कश्मीर का जो था वो भारत का हिस्सा था, आप क्या समझते हैं कि लाल चौक भारत का हिस्सा नहीं था? इससे पहले भी कश्मीर के लोग सब हिंदुस्तानी थे, मुट्ठी भर लोग होते हैं जो गलत भ्रम फैलाते हैं वो सब उनके खिलाफ थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि तिरंगा हमने तब उठाया, तिरंगे की बात तब थी जब टू नेशन थ्योरी थी 1947 में, लोगों ने जब हमारी रियासत ने हिंदुस्तान के साथ विलय किया, तिरंगा हमने तब से उठा के रखा, आज कोई नहीं, आज तिरंगे की बात कौन करता है? अब सबसे बड़ी बात तो आज देखने वाली ये है कि आज तिरंगे की बात कौन करता है, तिरंगे के नाम पर कौन बात करता है जिन्होंने 50 साल अपने दफ्तर में तिरंगा झंडा नहीं लगाया, आज तिरंगे की बात वो करती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इशू को डिरेल नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि हमें आपस में जब हम बोलेंगे तो जो लोग हमारे वहाँ सुन रहे हैं, जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो ये नहीं, वो सुन नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये डिबेट कम और मच्छी मार्केट ज्यादा बनती है। तो इसलिए मैं ये कहना, मैं सारे से ये कहता हूँ कि जब भी हम डिबेट करें ऐसे सभी तरीके से करें कि जो देखने वाला हो बिल्कुल उसको ये लगे नहीं जी डिबेट अच्छे तरीके से हो रही है। नंबर एक। नंबर दो, आज मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के वो अलग है। आज जम्मू का मुद्दा है, हमें पिछले 5 सालों से जमहूरियत से अलग रखा है, और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है बिजली के बिल का। आज हर एक घर का बिजली का बिल 7,000 से नीचे नहीं आ रहा, लोगों के लिए खाना बनाना मुश्किल है, खाना खाना मुश्किल है, 7,000 रुपया बिल कौन देगा? जो ये कहते हैं हमने नया जम्मू कश्मीर बना दिया, तो पिछले भाई 70 साल में तो हमने 1500-1500 रुपए में घर के एसी भी चले, हीटर भी चले और मीटर भी चले, आप क्या वजह है कि 7,000 रुपया खर्चने के बाद भी बिजली हमें पूरी नहीं मिल रही और इतना बड़ा घपला है? आज यहाँ पर इतनी चोरी रेत बजरी की जो की है भारतीय जनता पार्टी के राज में, वो चोरी के खिलाफ आज हम है, इनकी 3,000 की ट्राली 13,000 में बिकी, मैंने नहीं इल्जाम लगाया, इन्हीं की पार्टी के फार्मर एमएलसी ने इल्जाम लगाया। अभी अब ये हमें बताइए, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने कहा करोड़ों रुपयों का जल शक्ति विभाग में घपला हो गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई,
वाकई इसमें शक नहीं है, 3000 की ट्रॉली 13000 में बिक रही है जम्मू जम्मू सिटी में, अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है और वो उसके लिए जिम्मेवार कौन है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ ठगी हुई है। ये कहा गया कि आपको नए रोजगार मिलेंगे अफसर, ये इंडस्ट्री की बात अभी कर रहे थे, मैं भी एक छोटा सा यूनिट चलाता हूँ, सांबा और कठुआ में इंडस्ट्री पैक होके वापस चली गई है। आपने सिर्फ इंडस्ट्री की पॉलिसी के नाम पर झूठ बोला है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई ऐसा काम आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को नहीं दे पाए, आप कोई एमएनसी जहां नहीं ला पाए, आप रोजगार के अवसर नहीं दे पाए। और तो और जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 3 लिस्टें थी निकली आपके राज में, आपने तीनों की तीनों को क्वेश किया। आप मुझे बताइए, आपने एपटेक जैसी चोर कंपनी को ठेका दिया चुनाव उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, आपने तो जो हमारे साथ जुल्म किए हैं, आज उन जुल्मों का सवाल है। सबसे बड़ा जुल्म जो हमारे साथ किया गया वो हमारा बिजली का जुल्म है। आपने स्मार्ट मीटर हमारे घरों पर लगाए और जो जो मीटर है वो खंभों पर टांग दिए, हमें ये नहीं पता चलता भी हमारी ये यूनिट इस तरह कैसे बढ़ रही है, कौन आदमी है जो हमारी यूनिट बढ़ा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल मांगते हैं, जो हिसाब मांगते हैं। ये जो आज जो हुआ है इसके दफ्तर में, ये रोज होगा बीजेपी के साथ, ये प्रचार करने के लिए आए लोग, इनसे पूछेंगे कि बताइए आपने जो हमारे साथ वादे किए वो कहां के। इसका आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब मैं शिवम से आगे ले लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं रविंद्र पंडिता जी के पास चल रहा हूँ, जो बहुत पेशेंटली अपनी बारी का वेट कर रहे थे। एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की रग रग को जानते हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इश्यूज क्या हैं जम्मू कश्मीर के और किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ वहां पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे इश्यूज बताइए, बड़े मुद्दे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। नमस्कार जी, और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सभी को, आपको भी। अब यहाँ पे चूंकि इशू कुछ और था डिबेट का और ये डिरेल होके कहीं और पहुंच गया, तो शिवम जी को मैं जानता हूँ, ये बड़े तेज तरार जो है प्रवक्ता है, पर माहौल कहीं और ही पहुंच गया। इश्यूज जो है अब की बार बड़े लोकलाइज इशू रहेंगे। असेंबली का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है देन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेशन 60% से ऊपर, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि कुछ जम्मू कश्मीर में जहाँ पे 20-23% से ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन नहीं हुई पोलिंग में, उसमें चाहे मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर, डेवलपमेंट कोई मुद्दा, डेवलपमेंट कोई मुद्दा, हाँ डेवलपमेंट इशू है उसको इलेक्शन कहूंगा। हाँ, इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेट करना मींस दे आर बॉदर्ड राइट नाउ विद डेवलपमेंटल इशू। और जो पिछले 4-5 साल में हमने एलजी सरकार में वाकई डेवलपमेंट या जिसको टाइट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, वेरी गुड गवर्नेंस, That we have seen. उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर दो वर्जन आते हैं सामने। बीजेपी कहती है कि डेवलपमेंट हुआ है 370 को हटाने के बाद से डेवलपमेंट हुआ, और बाकी जो पार्टी है वो कहती है नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट को लेकर दो अलग अलग वर्जन है। नहीं जनाब, अब बीजेपी आए सरकार में, चाहे पीडीपी आए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आए गठबंधन करके, डेवलपमेंट अभी हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है। मैं तो बल्कि कहूंगा डेवलपमेंट के हिसाब से ऐसी गवर्नेंस कभी नहीं मिलेगी जो अभी एलजी गवर्नमेंट में। पर जमहूरियत भी एक चीज है, डेमोक्रेसी भी एक चीज है। लोकलाइज्ड एमएलए के पास आज की डेट में फिर वही बिजली, पानी, सड़क, एम्प्लॉयमेंट, ये 4 इश्यूज मुझे दिखते हैं हर जगह, चाहे मैं श्रीनगर की बात करूं, चाहे जहां मैं रहता हूं एलओसी के ऊपर टीटवाल में वहां की बात करूं, मुझे सब जगह यही इश्यूज दिख रहे हैं जो हम नहीं कर पाए एड्रेस। 1947 में जो हालत हमारी नेशनल हाईवे की थी, भले हम कितने भी रेल प्रोजेक्ट आज दिखाए, कुछ भी दिखाए, पर वही 6-8 घंटे ब्लॉकेड होता है, वही बिजली की हालत है। हमने कितनी प्रोडक्शन बढ़ाई, कितने हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बने, कितने हमारे रिसोर्सेज है, और जो आम जेएंडके के वासी को बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बल्कि अब स्मार्ट मीटर से मैं अपने आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले आदत पड़ी थी वो खटारा मीटरों की। मैं दिल्ली में भी जब बिजली बिल आता है मेरा, वो भी 16-17 हजार ही आता है जी, छोटे से एलआईजी फ्लैट में। रवि जी, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, जरा वो ब्रेकिंग न्यूज मैं बता दूं फिर वापस डिबेट पर लौट रहा हूं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कंगना का बयान पार्टी की राय नहीं है, पार्टी की ओर से बयान देने के लिए कंगना ऑथराइज नहीं है, अधिकृत नहीं है। कंगना रनौत ने कहा था कि किसान आंदोलन में रेप मर्डर हुए। कंगना ने कहा था कि पंजाब
बांग्लादेश बन जाता। कंगना के बयान पर विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने चिट्ठी जारी की है और कहा है कि ये कंगना के अपने विचार हैं और पार्टी इससे सहमत नहीं है। चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि पार्टी की तरफ से कंगना को ऐसे मुद्दों पर बोलने की इजाज़त नहीं है, उन्हें आगे ऐसे बयान न देने की हिदायत भी दी गई है। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं ये चिट्ठी बीजेपी की ओर से जारी की गई है और जो कंगना के स्टेटमेंट थे, कंगना के बयान थे किसान आंदोलन को लेकर, उससे बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। कहा ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया गया कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, उनका बयान है और पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। हालांकि उन्हें हिदायत दे दी गई है कि आगे से इस तरह की बयानबाजी कंगना रनौत ना करें। कंगना के बयान को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि रेप और मर्डर हुए किसान आंदोलन में। उन्होंने ये भी कहा था कंगना रनौत ने कि अगर ये और बढ़ता तो पंजाब को बांग्लादेश बनने से कोई रोक नहीं सकता था, जिसके बाद बीजेपी की ओर से अब रिएक्शन, ऑफिशियल रिएक्शन कंगना रनौत के इस बयान पर आया है। क्या कहा था कंगना ने वो देखिए आप। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियाँ हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। ठीक है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद वापस मैं अपनी डिबेट की ओर लौट रहा हूँ। रविंद्र पंडिता जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं शिवम और नीरज जी के पास जाऊँगा। देखिए डेवलपमेंट इश्यूज पे आपने मुद्दा छेड़ा ना, और यहाँ पे शिवम ने भी जब जगमोहन जी की बात करी ना, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम हमने देखा 1947 के बाद, दैट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ जगमोहन जी। तो उस टाइम जो सड़कें, पानी, ड्रेनेज वर्क और ये सब, घाटी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अभी उस टाइम वहीं से हम रहते थे, हमारा फ्लायर नहीं हुआ था, सबसे बेस्ट। और आज अब हम देखें इस टाइम जो पिछले 3 वर्ष में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसका कोई जो है दो राय नहीं है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। वो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जगह खेले, पर आम शहरी होने के नाते बेस्ट पॉसिबल टूरिज्म इंडस्ट्री, बेस्ट पॉसिबल हॉस्टल इंडस्ट्री, बेस्ट पॉसिबल यू नो गवर्नेंस, दैट वी हैव सीन। अब रही बीजेपी की बात, यहाँ पे जिस बात पे झगड़ा हुआ, मेरा सिर्फ यही कहना है, ठीक है, J&K के इलेक्शंस बहुत डिफरेंट है देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, बहुत ही डिफरेंट। यहाँ आप कोई कयास आराई भी नहीं कर सकते। हमने ये बहुत पहले भी देखा है, जब शेख अब्दुल्ला के टाइम पे भी जितने लोग जमा होते थे एक पूरे बड़े ग्राउंड में, हाथ उठाने को कहते थे कितने शेख अब्दुल्ला के साथ है, सारे 40 लाख हाथ उठाए। अगले दिन बख्शी गुलाम अहमद बोले कि हाथ उठाने के लिए मेरे साथ कितने, सारे 40 लाख उठाए। तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी इज डेफिनेटली एट एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, घाटी में पर्टिकुलरली, नॉट इन जम्मू। जम्मू में तो बीजेपी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड पे, घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना कार्डर है और बाद में जैसे PDP का भी कार्डर है। मैं व्यक्तिगत तौर से ये बताना चाहता हूँ, मेरी भी बहुत बातचीत हुई पिछले दिनों में जो हमारे नए MP बने NC के या महबूबा जी से भी थी, हमारे मुद्दे भी रखे जाए कश्मीरी पंडितों के। ये खाली बीजेपी के ऊपर ना छोड़े आप, बीजेपी बात करेगा कश्मीर पंडितों को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मैनिफेस्टो में रखा है रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, और महबूबा मुफ्ती ने शारदा पीठ को लेके जो मेरा व्यक्तिगत इशू है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, रीओपनिंग ऑफ शारदा पीठ, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। J&K अपनी पार्टी ने कश्मीरी कैंडिडेट फील्ड किया, कांग्रेस ने एक फील्ड किया, ऐसे आज हमारे वीर सराफ जी बीजेपी की तरफ से फील्ड हुए। तो ये एज ए कश्मीरी पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट मैं कहना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी से, जब तक हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट आप नहीं करेंगे, तब तक ये ना समझिए कि कश्मीरी पंडित घाटी में वापस आए। और अगर सोल्यूशन आपने अल्टीमेटली देखना है कश्मीर प्रॉब्लम का, वो वया कश्मीरी पंडित ही होगा, जब भी होगा कश्मीरी पंडित एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसमें सोल्यूशन में। तो हमें भी वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दीजिए, पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को भी देखना चाहिए, इंडिपेंडेंटली हम भी खड़े हो सकते हैं जी कहीं पे, बट व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में। अब अमित शाह जी ने हमारे लिए अनाउंसमेंट करी है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 इलेक्टेड सीट्स होंगी। यहाँ पे एक मुद्दा उठा जी वाल्मीकि का, वाल्मीकि कुछ थोड़े बहुत पहले भी थे, वो करेक्ट कह रहे हैं, हमारे जो पहले के पैनलिस्ट थे उन्होंने शिवम को बड़ा उसमें वो क्रॉस कर लिया,
हमें पीओजे के रिफ्यूजीज को बीजेपी ने जो राहत दी है वो सबसे बड़ी राहत थी इंडिपेंडेंस, उनको कहीं पे हमने काउंट नहीं किया था। तो इस तरह से हमें जो दो सीटें इन्होंने देनी है एज एन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट करेंगे वो, तो हमें वो दो सीटों में पूरी उम्मीद है कि उनको भी उतनी पावर्स रहेंगे जितने की इलेक्टेड एमएलए के रहेंगे। ठीक है, मैं शिवम के पास चल रहा हूं। हां, तो इस तरह से और ज्यादा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जरूरत है हमारे समुदाय। ठीक है, मैं शिवम के पास चल रहा हूँ। शिवम, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के आप आंकड़े भी गिना रहे हैं, आप क्या घाटी को लेकर आप उतने ही कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं जब आप इस डेवलपमेंट की बात करते हैं तो घाटी में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, क्या इतने ही कॉन्फिडेंस से ये बात आप कह सकते हैं? देखिए, हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। विषय बहुत साफ है कि जिस तरीके से 10 साल में हमने काम किया है, हम अपने काम के आधार पर ही वोट मांगने जाएंगे। जहां तक घाटी का विषय है, जाहिर है कहीं पर समर्थन ज्यादा और कहीं पर समर्थन कम, ये चुनाव की एक नीति है। अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव में ही और खासतौर पर अगर 2024 में ही जनरल इलेक्शन की बात करें, तो तमाम काम करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जो सफलता हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें नहीं मिली। तो चुनाव में इस तरीके की प्रेडिक्शंस करना कि कहीं पर हमें बहुत शानदार मिलेगा, कहीं पे थोड़ा कम मिलेगा, मैं मानता हूं कि उसके लिए तो शायद पॉलिटिकल पंडित ही ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, हमने काम किया है। अगर मेडिकल सीट 800 हमने और बढ़ाई है तो हमने काम किया है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने 2019 तक अप्रोक्सीमेटली 96 डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, उनको बढ़ाकर अगर 147 किया है तो काम किया है। इसके अलावा अगर जो हमारी जीडीपी थी वो 1.64 लाख करोड़ थी, उसको बढ़ाकर अगर 2.64 लाख करोड़ किया है तो जाहिर है काम किया है। 370 की जहां तक बात है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, अभी जो रविंद्र जी ने कहा कि भाई हमारे लिए जो है पीडीपी भी काम करे और इस तरह की तमाम चीजें हो, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ उनसे, तो आप उम्मीद क्या ही करें, आप हमसे ही उम्मीद रखें और हम करके देंगे, डिलीवर करेंगे। एग्जाम्पल, अगर उनको आपके लिए कुछ करना होता तो वो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को जो है फिर से चैलेंज करने की बात नहीं करते। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया, पीडीपी छोड़िए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपने मैनिफेस्टो में कह दिया कि 370 आर्टिकल 370 को लेकर लीगल तौर पर जो है हम उसको खत्म करना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस उससे मैनिफेस्टो, अगर कांग्रेस उससे अलाय कर रही है तो जाहिर है कांग्रेस भी 370 को वापस लाना चाहती है। नहीं, ये तो कांग्रेस कहती है ना, ये तो कांग्रेस खुलेआम कहती है। मेरी डिबेट में कांग्रेस के नेताओं ने ब्लैक डे कहा, जिस दिन आपने 370 को हटाया उसको कहा ब्लैक डे। नहीं, बिल्कुल ब्लैक डे कहा, पी चिदम्बरम ने कहा इस स्टेटमेंट को आके कि ये हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास का सबसे काला दिन। और इसके अलावा बात करें तो 35 को वापस लाने की बात वो करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो तो एलओसी ट्रेड को भी बात करते हैं, बॉर्डर खोलकर पाकिस्तान से बात करने की भी बात करते हैं। वो अलग बात है कि कंट्री टू कंट्री ही बात हो सकती है, लेकिन पता नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी या फारूक अब्दुल्ला कैसे कुछ। नीरज जी कहना चाह रहे हैं इस पर, नीरज जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक मिनट में उनको भी सुन लेता हूं। नीरज जी बोलिए, आप 370 को लेकर तो लाइन क्लियर है ना कांग्रेस की? 370 को लेकर बिल्कुल लाइन क्लियर है। जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब उस पर बात नहीं होगी तो इसका मतलब है बात नहीं होगी। लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उस पर तो लगातार बात होती रहेगी। कांग्रेस ने यह बात 23 नवंबर 2023 को भी स्पष्ट की थी जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि इस पर दोबारा चर्चा नहीं होगी, आज भी क्लियर करती है। लेकिन उस पूर्ण राज्य की जो जरूरत है जम्मू और कश्मीर को, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। आप शिवम से आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू शिवम। देखिए, एक चीज, ये एक दो तरफा राजनीति है। एक पार्टी जो 370 को वापस लाने की बात करती है, उससे गठबंधन कर लो और कहो कि नहीं, हम तो 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है उसी के साथ होते तो आप साफ कहते नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि सॉरी, आप स्थिति पर नहीं रह सकते हैं। अगर 370 का उनका कोई स्टैंड है तो कांग्रेस आके कहती कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का विषय है, हम इस बात से समर्थन नहीं रखते हैं, हम इसको समर्थन में नहीं लेते हैं। आज कंगना रनौत के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एमपी होते हुए कह दिया कि नहीं, जो कंगना का बयान है वो भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। बात खत्म हो गई। अगर ये 370 के समर्थन में नहीं है, 370 वापसी के समर्थन में कांग्रेस नहीं है, तो एक स्टेटमेंट देने की आवश्यकता थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में 370 को लेकर लिखा है, हम उसके साथ नहीं है। अधिकारी, प्रवक्ता नहीं, अधिकारी, हर चीज पर बोलने वाले राहुल गांधी, सुप्रिया सेन ने तो और जितने भी लोग हैं वो कहां है भाई, एक बयान दे देते, लेकिन नहीं देना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मुस्लिम तुष्टिकरण कैसे करेंगे। इसलिए प्रवक्ता आकर कहेंगे नहीं नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हमने बोला, और नेता जो है चुप्पी साध लेंगे उस पर, ये देश जानता है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये बात बहुत साफ है, गांधी खानदान की तीन पीढ़ियों ने जो जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है उसको बचाकर नरेंद्र मोदी सरकार बेहतर स्थिति में लेकर आई है। आज राहुल गांधी अगर वहां पर रात को 11 बजे खड़े होकर बिना सिक्योरिटी आनंद के साथ चाय पी सकते हैं,
और स्कीइंग कर सकते हैं वो इस वजह से क्योंकि आज जम्मू कश्मीर बेहतर है। उम्मीद करता हूं कि अपने पिता और दादी की तरह कश्मीर को उसी हाल में नहीं पहुंचा देंगे जिसमें उन्होंने पहुंचा। नीरज जी, रोहित भाई देखिए, मैं इनकी तरह हल्की बात तो करता नहीं, ना किसी नेता के बारे में, और प्रधानमंत्री के बारे में करूंगा तो ज्यादा चुप हो जाए, चुप जाएगा इनको, क्योंकि उन्हीं के नाम से वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, वो पटेल याद होगा आपको, गुजरात का, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को किसी बड़े अधिकारी का रिश्तेदार बताया करता था और कहां वो पैसे वसूली करता था। जैसा अभी आपको ध्यान होगा ना, ये राम माधव का नाम बार बार घूम कर आता है, गोवा में वो 300 करोड़ रुपए मांगता है, वो जम्मू कश्मीर में फिर 300 करोड़ मांगता है, और जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता, अरे अरे राम माधव कौन है, अरे वही राम माधव जो चाइना में जाके चाउमीन खा रहा था। तो इस तरीके की बात से बचना चाहिए। और शिवम, जो बार बार आपको लच्छेदार बातें सुना रहे हैं, उसका कोई औचित्य आज निकलता नहीं। आज तो सीधी सीधी स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अपना हक मांग रही है, उसका वही हक है, क्योंकि पैनल पर एक कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट भी है, या आपको बताएंगे कि कैसे आज से 1.5 साल पहले लगातार 310 दिन तक जम्मू में रहने वाले जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज थे, उन्होंने धरना दिया, और उनको क्या मिलता था, लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले। उसके ऊपर भी तो बात हो जानी चाहिए कि इस सरकार ने कैसे हाई हैंडेडनेस से, जिसको ये इफेक्टिव गवर्नेंस बता रहे हैं, किस तरीके से लोगों के अधिकारों को रोका है। और असली बात तो यही है कि वो लोकल मुद्दा है कि वो जो RDX घूम रहा था, वो पुलवामा में जो हुआ, आज जो हमारे सैनिकों पे हमला हो रहा है, और शिवम पहले किसी कश्मीरी पंडित की हत्या की बात कर रहे थे 1990 में गंजू जी की, ये क्यों मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या के बारे में क्यों नहीं बोलते। अभी 2022 की तो घटना है कि उनको उनकी दुकान पर, जहां वो केमिस्ट की दुकान चलाते थे पिछले 50 साल, मक्खनलाल बिंद्रू को आके मार दिया गया। और सरकारों ने क्या किया, सिर्फ देखते रहे, तमाशा बनाते रहे, और कश्मीर को एक वो जो डर की राजनीति जो भाजपा करती है, जो मैं हर बार कहता हूं, उसका एक इन्होंने पोस्टर बॉय बना के रखा। लेकिन आज स्थिति ये है, कश्मीर की जो जनता है, जम्मू की जो जनता है, उसने कह दिया है आप हमें स्पेशल ट्रीट मत करिए, अरे हमें कम से कम एक सामान्य स्टेट की तरह तो रखिए, एक आम राज्य की तरह तो रखिए, आपने तो हमारा राज्य हो नाम से छोड़ दिया। और इसी मुद्दे के ऊपर अब वोट पड़ेगा, और वो जो वोट की चोट होगी वो आपको दिल्ली तक सुनाई देगी। शिवम, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कृपया करके चीजों को जब इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पर बोलें तो बेहतर हो कि आप पूरी तैयारी के साथ हो। मेरे मित्र जो हैं उनको शायद उस पुलवामा वाले विषय में पता ही नहीं है कुछ भी। भाई उसमें चार्जशीट हो चुका है, कहां से क्या हुआ है, कोर्ट में ट्रायल। तो जरा देवेंद्र जी जो बीच में चाहते हैं, फिर बीच में मैंने कहा देखिए शिवम, आप हल्की बात करेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ना। आप सिर्फ झूठ बोल के आप सोचेंगे कि आप फ्री पास ले लें, इस तरीके से तो नहीं चलता। रोहित जी, आपको ये सवाल आपको पूछना चाहिए था। चलिए मैं नहीं पूछता हूँ, आप पूछिए ना कि वो 300 किलो RDX कहाँ से आया, सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब क्यों नहीं है, वो ACP देवेंद्र जो था, जो भाजपा के एजेंट की तरह काम करता था, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल रोहित जी आप पूछ लीजिए। मैं पूछता हूँ तो शिवम को बुरा लग जाता है। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवम, अब शिवम बोले जवाब दीजिए। अपने समय में पूरे 5 मिनट आपको मिले, जितने सवाल पूछ सकते थे पूछ लेते, नहीं था इसलिए नहीं पूछा। 300 किलो RDX कहाँ से आया, तीन चीजें कैसे हुई, पुलवामा कैसे हुआ, उसको लेकर मामला कोर्ट में है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, और एक एक चीज का जवाब है। जब आप फंसते नहीं तो मैं क्या करूंगा। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार इस बात को कहते हैं कि पुराने बातों को तो क्यों दोहराते हो, पुराने में ऐसा क्या रखा है। जगमोहन जी ने एक किताब लिखी थी, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। उन्होंने बताया था कैसे दो चिट्ठियां उन्होंने उस समय जो है राजीव गांधी को लिखी थी कि जम्मू कश्मीर की क्या स्थितियां हैं, किस पर अगर आप संज्ञान नहीं लेगा, इफ नॉट नाउ देन नेवर। आप प्लीज उनको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा उस पर क्यों बात होती है। आप पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य तो मिलना ही है, चुनाव की बात थी, चुनाव हो रहा है, पूर्ण राज्य वो भी होना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो लाखों लोग आपकी वजह से चले गए ना, माइग्रेट कर गए, जिन बच्चों को बीच में से फाड़ दिया गया, जिन बहनों का बलात्कार कर दिया गया, वो इस वजह से कि इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वहां पर बैठे हुए थे। और अगर आज मैं इस पर बात करूं तो आप कहते हैं क्यों बात करते हो, वो इसलिए क्योंकि जिनकी जान चली गई उसको वापस नहीं दे सकते आप, वो इसलिए क्योंकि जिनके बलात्कार होते हैं उसकी इज्जत वापस नहीं दे सकते आप, वो इसलिए जिन लोगों ने माइग्रेट कर लिया वो पंडित कभी वापस नहीं जा पाता है। पर आज आप यहाँ पर भाषण दे रहे हैं मुझे और बता रहे हैं कि पुरानी बातें क्यों करते हो। आर्टिकल 370 में जो स्थिति आपकी रही, आपने बर्बाद करके रख दिया उस राज्य को। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तीन पीढ़ियां जो है इन्होंने किस तरीके से कश्मीर के हालात खराब कर दिए। आज यहाँ पर 10 साल में आप कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया,
और जब लोकतंत्र था आपके समय में क्या होता था? पाकिस्तानी झंडे आपने जमा दी, लोगों पर दिन रात बोल दिया, ये होता था आपके लोकतंत्र में, आप उधर लोकतंत्र कहते थे। मैं मानता हूँ कि हाँ वहां पर चुनाव होंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ चुनाव के साथ वहां के नागरिक भी आपकी इस नफरत की राजनीति से बचे। उम्मीद है कि पाकिस्तान का झंडा लेकर नहीं घूमोगे वहां पर, उम्मीद है कि कांग्रेस वही आग फिर से नहीं लगा देगी, उम्मीद है कि जितने पंडित वहां पर और जितने माइनॉरिटीज वहां पर हैं उनके राइट्स बचे रह जाएंगे, उम्मीद है कि वाल्मीकि और जितने भी दलित वहां पर हैं उन बेचारों को उनकी पढ़ाई के अधिकार पर आरक्षण मिल जाएगा, उम्मीद है इस चीज की अगर कल कुछ भी होता है तो। ये कितना जरूरी है लोकतंत्र में। ठीक है नीरज, नीरज बोलिए फिर मैं रविंद्र जी के पास जा रहा हूँ। रोहित भाई दो छोटी छोटी बात। जी 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 देखिए भाजपा प्रवक्ता और कंगना रनौत दोनों देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के अलावा शिवम रुक जाइएगा, ये तो सीधी सीधी बात यही है ना कि भाजपा के अलावा किसी और की सरकार अगर बनी कश्मीर में तो कह रहे हैं कि कश्मीर टूट जाएगा, क्या जम्मू टूट जाएगा, आपके ऊपर भी और कंगना रनौत के ऊपर भी नेशनल सिक्योरिटी के मुकदमे चलने चाहिए जिस तरीके की बात आप करते हैं ना, और जब प्रधानमंत्री जी वो झंडा जब उनको दिखता नहीं और चले जाते हैं बिरयानी खाने बॉर्डर क्रॉस करके तो उस पर फिर बात कर लीजिएगा। ये जो हल्की बात करके आप देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अगर एक समझदार एक कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर इस देश में होता और एक इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर को हटा देता तो सबसे पहले शिवम त्यागी और कंगना रनौत जीवन भर के लिए जेल में सड़ते, क्योंकि देश को तोड़ने की बात एक चैनल पर बैठकर ये करते हैं और इसके बाद इनको फ्री पास मिल जाता है। अरे देश को तोड़ने वालों आज तक इस देश के लिए कुछ किया नहीं और देने चल देते हो इधर से उधर। शिवम त्यागी जी भाजपा को नाको चने चबाने तो पड़ गए और आप बोलते बोलते तो प्रधानमंत्री मोदी की विफलता बताते हैं। जिस आदमी को 10 साल इस देश ने मौका दिया वो आज एक कश्मीरी पंडित को नहीं ले जा पाया घाटी के अंदर, और जो 350 से ज्यादा परिवार थे जो 310 दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे उनको तो उसने सुना नहीं, तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट प्रधानमंत्री की बात भाजपा का प्रवक्ता ही करने लग जाता है। तो शिवम जी सिर्फ अपने गिरेबान में झांकिए, पास का चश्मा लगाइए, आप लोगों को दूर के चश्मे से देखने की आदत है, उस पास के चश्मे के साथ देखिए कि कश्मीर को आज जरूरत है एक हीलिंग टच की, और वो प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर अमित शाह के पास नहीं है, उस इनकॉम्पिटेंट एलजी के पास ठीक है। ठीक है रविंद्र भट्ट जी ने बड़े रविंद्र पंडिता जी ने बड़े आराम से आप दोनों की बातें सुनी, एक रिएक्शन मुझे उनसे ले लीजिए, आखिरी मिनट मेरे पास बचा। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे अभी इस सिचुएशन पर? देखो जी ये तो पॉलिटिकल अपने एनालिस्ट दोनों स्पोक्स पर्सन जो है अपने पॉलिटिकल स्कोर्स बना रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर। देखिए हमें हकीकत में जाना चाहिए, जब इंदिरा गांधी के बाद जो एक बहुत ही मैं मानता हूँ बहुत जबरदस्त लीडर थी इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, उसके बाद तो मोदी जी आए, उसके बीच में जो खला पैदा हुई है उसमें जो और कोई तबाही होनी चाहिए थी जी एंड के में वो हो चुकी है। अब चूंकि मुद्दा इलेक्शन का है, लेट्स सी कि नॉर्थ कश्मीर में भी अभी आपके पास आई ओपनर है, इंजीनियर रशीद जेल में बैठ के एनआईए के केसेस चल रहे हैं, वो बड़ी आराम से जीत रहा है जी पार्लियामेंट इलेक्शन बाय डिफीटिंग उमर अब्दुल्ला एंड सजाद गनी लोन जैसे दरिंदर, तो ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए। अब आप इस चीज मुद्दे पर भी क्रिटिसाइज ना करें कि एलओसी की बात हो रही है ट्रेड एंड ट्रेवल की, मैं कहता हूँ ट्रेड तो ना करिए पर ट्रेवल तो करिए, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे बीजेपी को यस डेफिनेटली देखना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो डिवाइडेड फैमिलीज है बिकॉज ऑफ नेहरू एंड ब्लंडर्स बिकॉज ऑफ व्हाटएवर ब्लंडर्स हैपेंड विद दैट टाइम, बट यू कांट कीप देम अवे, द डिवाइडेड फैमिलीज हैव टू मीट, दे हैव टू ट्रेवल, रिलीजियस टूरिज्म शुड बिगिन, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड विद जे एंड के जहां पे आपकी एलओसी भी है एलएसी भी है इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, जहां पे आपके 17 एथनिटिसिटीज है, ये कोई यहाँ पे कास्टिज्म है नहीं, यहाँ पे कोई कास्ट वोट नहीं लेना है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट की बात होगी, हर एक एमएलए अपने अपनी जगह जो है जिसकी फेस वैल्यू है वो जीतेगा, बीजेपी के लिए बहुत टेस्टिंग टाइम है, ठीक है बहुत काम किया है बीजेपी ने, ये मैं इस बात को भी मानता हूँ हवा बहुत बदली है, वो पहले वाली बात नहीं रही, पर जो आम एक जम्मू कश्मीर एक रियासती के दिल में इस टाइम है
कि स्टेटहुड वो चाहिए, यस डेफिनेटली 35A 370A वाले ख्वाब देख रहे हैं और सपने देख रहे हैं। ये चुनाव इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, एक नई कहानी जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव लिखेगा, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तीन चरणों में चुनाव है जम्मू कश्मीर में, और देखिए सियासत कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त वोटिंग का करीब आता जा रहा है, सियासत भी गर्माती जा रही है। देखते हैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदे किसको सौंपते हैं जम्मू कश्मीर। आप सबका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और इस हेल्दी डिबेट के लिए। देश का सवाल में फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे इस वक्त इजाज़त दीजिए, नमस्कार।